जयपुर के आमेर में जमीन से सिक्के निकलने के मामले को लेकर पुरातत्व विभाग अब जांच में जुट गया। इसी के चलते पुरातत्व विभाग की टीम विशेषज्ञों के साथ सिक्कों की जांच करने आमेर पहुंची और विभाग के अधिकारी आमेर के सियाराम डूंगरी आश्रम पहुंचे। सिक्कों को कब्जे में लेकर निरीक्षण भी किया गया। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ प्रिंस कुमार ने बताया कि जमीन से निकले सिक्के चांदी की धातु से बने हुए हैं, जिनका वजन 10 से भी 12 ग्राम है। ये सिक्के मुगल कालीन बताए गए और इन पर पारसी के आलेख है। सिक्कों का निरीक्षण करने के बाद जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी और सिक्के अवाप्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। चांदी से बने हुए गोलाकार सिक्के हैं, इनका वजन 10 से 12 ग्राम है। ये सिक्के मुगल कालीन प्रतीत होते हैं, इन पर फारसी आलेख हैं। उस काल में किसी राजा महाराजा के लेखों का ही अंकन होता था। उस काल में किसी प्रकार का फोटो या इमेज इत्यादि का डिसेप्शन सिक्कों पर नहीं होता था। इन सिक्कों की जांच के आधार पर ये पता लगता है कि ये एंटीक श्रेणी में आते हैं। जमीन से निकला हुआ धन सरकार की संपत्ति होता है, देश की धरोहर होता है और इन्हें जब्त करना पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी बनती है।